आदित्य अब चेंज करके शुभि के पास आया तो शुभि ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ये सुन आदित्य ने भी शुभि को गले लगाते हुए कहा, मैं भी नहीं जाना चाहता कहीं। उसके बाद दोनों ने कुछ देर एक दूसरे से बातें की और फिर दोनों सो गए। देखते ही देखते कुछ दिन और इसी तरह से बीत गए। अब शुभि का पांचवा महीना खत्म हो चुका था और छठवा शुरू हो गया था और बेबी बम भी अब पहले से ज्यादा दिखने लगा था। सुबह के समय शुभि दादी के साथ गार्डन में वॉक कर रही थी कि तभी आदित्य भी अपने वर्कआउट करने के बाद वही गार्डन में चला आया और उसे दादी से कहा, क्या बात है दादी, वॉक शॉक हो रही है आजकल। ये सुनकर अनीता जी ने आदित्य के कान पकड़ते हुए कहा, वो सब ठीक है पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आदित्य ने एक्टिंग करते हुए कहा, दादी दादी मेरा कान। ओह, अनीता जी ने आदित्य के कान को छोड़ हंसते हुए कहा, बदमाश। आदित्य हंसने लगा और उसने दादी को पकड़कर वहीं पास में रखे सोफे पर बिठा दिया और शुभि के पास चला गया। शुभि गार्डन में खिले गुलाब के फूलों को देख मुस्कुरा रही थी। इस वक्त उसका पूरा ध्यान उन फूलों पर था। आदित्य ने शुभि के करीब जाते हुए उसके गाल पर प्यार से किस किया। वो तब जाकर होश में आई और उसने जल्दी से आदित्य की तरफ मुड़ते हुए कहा, बेशर्म, दादी है यहाँ फिर भी आप। आदित्य ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी करते हुए पूछा, यहाँ क्या कर रही हो। शुभि ने कहा, ये फ्लावर्स को देख रही थी, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तीनों कुछ देर और गार्डन में बैठने के बाद मेंशन के अंदर चले गए। वहीं दूसरी तरफ दिन के 12 बज रहे थे। निखिल सोनम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और पहुंचते ही सोनम को अपनी गोद में लेकर जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर चला गया और उसने उसे व्हील चेयर पर बिठाया ही था कि तभी डॉक्टर शिवानी वहां आई और उसने दर्द से तड़प रही सोनम को देख निखिल से कहा, इसे जल्दी से ऑपरेशन रूम में लेकर चलो। उसके बाद निखिल सोनम को ले जाने लगा। तभी सोनम ने दर्द से करहाते हुए निखिल से कहा, प्लीज कुछ खींचिए निखिल, हाँ बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। निखिल ने उसे शांत करते हुए कहा, हाँ बस देखो हम हॉस्पिटल आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी देर और। कुछ देर बाद सोनम ऑपरेशन रूम में थी। अब सभी घर वाले भी वहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए थे सिवाय नैना को छोड़कर। अर्चना जी उसे घर में ही रहने के लिए कहकर आ गई थी। इधर निखिल बस एक टक ऑपरेशन रूम के डोर को देख रहा था। सोनम को दर्द से बुरी तरह चिल्लाते देख उसकी भी आंखें भर आई थी। कुछ देर बाद ऑपरेशन रूम की लाइट रेड से ग्रीन हुई और दरवाजा खुला। बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुन मनु ने खुशी से उछलकर दादाजी के गले लगकर पूछा, दादाजी सुना आपने। दादाजी ने खुश होते हुए कहा, हाँ पापा सुना मैंने। तभी डॉक्टर शिवानी मुस्कुराते हुए ऑपरेशन रूम से बाहर निकल कर आई। उसके साथ डॉक्टर सुमन भी थी। डॉक्टर सुमन ने निखिल को देखते हुए कहा, मुबारक हो, एक बेटा और एक प्यारी सी गुड़िया रानी आई है घर में। उनकी बात सुन निखिल की आंखें खुशी से भर आईं और वो बिना कुछ कहे जल्दी से रूम के अंदर चला गया। इधर सभी घर वाले खुशी से झूम उठे। सुरेंद्र जी ने प्रताप जी को गले लगाते हुए कहा, भैया दादाजी बन गए अब हम दोनों। और मैं परदादा। इतना कहकर दादाजी ने अपने दोनों बेटों को गले लगा लिया। तभी सुरेंद्र जी ने कहा, आप लोग रुकिए, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद सोनम को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। जहाँ निखिल सोनम के पास आया वो इस समय लगभग बेसुध ही थी कि तभी डॉक्टर शिवानी ने निखिल को हैंड वॉश करके आने को कहा। वो सोनम को देखता हुआ वहां से चला गया और जल्दी से हैंड वॉश कर वापस आया। डॉक्टर शिवानी ने निखिल के हाथों में उसका बच्चा देते हुए कहा, ये तुम्हारा बेटा। निखिल ने सोनम को एक नजर देखने के बाद अपने बेटे को देखा और अपनी आंखें बंद कर उसके माथे को बहुत ही प्यार से चूम लिया। निखिल ने अब जल्दी से रूम में नजरें दौड़ाते हुए पूछा, और मेरी बेटी कहाँ है। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे थोड़ा सब्र करो, नर्स लेकर आ रही है, चलो अब बेबी को सोनम को दे दो, उसे बेबी फीड कराने दो। ये कहते हुए पास में खड़ी नर्स को देख शिवानी ने कहा, सिस्टर आप हेल्प कीजिए सोनम की। इतना कहकर वो वहां से चली गई। वहीं जैसे ही निखिल ने अपने बेटे को सोनम के पास लेटाया, सोनम ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। फिर नर्स की मदद से सोनम अपने बेटे को दूध पिलाने लगी थी कि तभी अर्चना जी और मनु भी अंदर आ गई। उन्हें आते देख अब निखिल बाहर चला गया। वहीं मनु खुशी से पागल होकर बेबी को देखने की कोशिश करने लगी थी कि तभी एक दूसरी नर्स सोनम की बेटी को वहां लेकर आई। अर्चना जी ने उसे अपनी गोद में लेते हुए कहा, सोनम अभी फिलहाल ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी लग रही है। मनु ने भी सोनम की बेटी को देखा और उसे देखते हुए कहा, हाँ माँ
पर रंग निक्की भैया पर चला गया इसका। सोनम ने लेटे हुए ही अपनी बेटी पर एक नजर डाली। तभी अर्चना जी ने नर्स से पूछा, इन दोनों में बड़ा कौन है? नर्स ने मुस्कुराते हुए अर्चना जी की गोद में बच्ची को देखकर कहा, बड़ी दीदी है ये और ये छोटे भैया, 1.5 मिनट का अंतर है दोनों में। मनो ने ये सुन जल्दी से कहा, हाँ, बस 1.5 मिनट, और यहाँ मुझे और मयंक भैया को देख लो, सीधे सीधे 9 साल का डिफरेंस है। अर्चना जी ने उसकी बात सुन उसे टोकते हुए कहा, अच्छा बस बस, अब फिर अपनी बकबक शुरू मत करो। हाँ, ये कहते हुए अर्चना जी ने सोनम के पास उसकी बच्ची को लेटा दिया और अब बेटे को गोद में उठा लिया। इधर बाहर सुरेंद्र जी ने खुश होकर सभी हॉस्पिटल स्टाफ और बाकियों को लड्डू बंटवा दिए थे। निखिल ने भी अपना फोन निकालकर मयंक को मैसेज सेंड कर दिया था और अब जल्दी से आदित्य को कॉल करने के बाद वो वापस सोनम के पास चला गया। उससे इस समय अपनी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। वो सोनम को अपनी बाहों में भरकर उसके माथे को प्यार से चूम उसे थैंक यू कहना चाहता था, पर कोई उन दोनों को अकेला छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर जो भी हो, घर में सभी लोग बहुत खुश थे। रात के वक्त शुभी आदित्य के आने का वेट कर रही थी कि तभी अचानक से वो चिल्लाई, आउच! उसकी आवाज सुन अभी अभी रूम में आए आदित्य ने घबरा कर उसके पास जाते हुए पूछा, क्या हुआ? शुभी ने अपना पेट पकड़ हैरानी से आदित्य को देखते हुए कहा, किक मारा। आदित्य ने ये सुनते ही जल्दी से शुभी के पेट को पकड़ लिया और कहा, क्या? शुभी ने अब खुशी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बेबी ने किक मारा। समय अपनी गति से बढ़ रहा था और धीरे धीरे एक और महीना बीत चुका था। शुभी का 7वां महीना शुरू हो गया था और आज पहली बार उसके बच्चे ने उसे काफी जोर से किक किया था। हलचल वो उसके पेट में 5वें महीने से ही करने लगा था, पर आज पहली बार बहुत ही क्लियरली शुभी ने उसकी किक को महसूस किया था। आदित्य ने शुभी के पेट को छूते हुए कहा, कहाँ किक मारी, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, ये बहुत आलसी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और आदित्य ने इतना कहा ही था कि एक बार फिर बेबी ने किक मारा। तब आदित्य चिल्ला उठा, बेबी ने एक बार फिर किक मारा। शुभी ने उसे देख हंसते हुए कहा, अब बोली मेरे बेबी को आलसी? हाँ? आदित्य ने शुभी के पेट को एक बार फिर पकड़कर सहलाते हुए खुश होकर कहा, इसने सच में किक मारा। शुभी ने भी प्यार से अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ। आदित्य ने शुभी को मिरर के सामने खड़ा कर उसे पीछे से अपनी बाहों में लेते हुए कहा, एक बात कहूँ? शुभी ने मिरर में आदित्य को देखते हुए कहा, हाँ। आदित्य ने शुभी के गाल पर किस कर उसके पेट को सहलाते हुए कहा, तुम इस तरह से मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। शुभी उसकी बात सुन शर्मा गई और उसने धीरे से कहा, पर मैं क्या ही अच्छी लग रही हूँ, अब मैं मोटी हो गई हूँ। आदित्य ने शुभी को अपनी बाहों में लिए हुए कहा, पर मुझे तुम इस समय बहुत खूबसूरत लग रही हो, सच में बहुत प्यार आ रहा है तुम पर। आदित्य की आवाज में आई मधोशी को सुन शुभी ने खुद को उसकी पकड़ से आजाद करते हुए कहा, जाइए चेंज कर लीजिए, बहुत प्यार हो गया। आदित्य ने शुभी के हाथ को पकड़ उसे अपने पास खींचते हुए धीरे से कहा, अरे अभी कहाँ, तुम करने दो तब ना। शुभी ने आदित्य को बहकते देख उसे रोकते हुए कहा, आदित्य प्लीज छोड़िए। आदित्य ने शुभी को अपनी बाहों में लेकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हें गले लगा रहा हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? शुभी ने आदित्य को दूर करते हुए कहा, बस बहुत हुआ, अब आप जाकर चेंज कर लीजिए। आदित्य ने अब चिढ़ते हुए कहा, तुम ना बहुत बदल गई हो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वहीं शुभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद आदित्य रूम में वापस आया तो शुभी बेड पर लेटी हुई थी। आदित्य उसके पास आया और वो ब्लैंकेट हटाकर शुभी के पेट को पकड़कर लेट गया। उसकी ये हरकत देख शुभी ने उसे देखते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं, अपनी जगह पर सो जाइए। आदित्य ने मना करते हुए कहा, नहीं, अब क्या मैं अपने बच्चे को पकड़कर भी नहीं सो सकता? वैसे भी तुमने जाग जाग कर इसे भी रात को जागने की आदत डाल दी, सोने के बजाय तुम्हारे पेट में हलचल मचा रखी है, इधर उधर घूम रहा है, मैं उसे सुला रहा हूँ। इतना कहकर आदित्य ने एक बार फिर शुभी के पेट पर अपने कान लगा लिए। शुभी अब आदित्य को देख हंसने लगी, लेकिन आदित्य ने उसे देख अब उसको इग्नोर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रात के समय मनु आज सोनम और उसके 1 माह के हो चुके बच्चों के पास सोई हुई थी, क्योंकि अर्चना जी और सुरेंद्र जी कुछ काम से गांव गए हुए थे। निखिल भी इस समय अपनी नाइट ड्यूटी पर था। तभी नैना का फोन बजने लगा, जो कि उसे मनु को दे दिया था। फोन की आवाज सुन सोनम की आंख खुली। उसने मनु को उठाते हुए कहा, मनु उठो मनु, देखो नैना अपना फोन यहीं भूल गई और अब मयंक का कॉल आ रहा है। सोनम की आवाज सुन मनु ने नींद में ही कहा, हाँ,
आप कॉल पिक करके बात कर लो ना भाभी। सोनम ने उसकी बात सुन जल्दी से कहा, अरे मैं क्या कहूंगी, तुम नैना को फोन दे आओ। सोनम की आवाज सुन मनु की अब ठीक से आंख खुल गई। उसे होश आया और उसने जल्दी से फोन उठाया ही था कि तब तक कॉल एंड हो गया। मनु फोन लेकर बाहर निकल आई कि तभी मयंक का दोबारा कॉल आया। मनु ने कॉल पिक करते हुए कहा, जी भैया। मयंक ने उधर से पूछा, घर में सब ठीक है? हाँ भैया। मनु की आवाज सुन कुछ देर तक चुप रहने के बाद मयंक ने पूछा, और नैना? मनु ने कहा, वो भी ठीक है। थोड़ी देर तक बातें करने के बाद अब मयंक ने कॉल कट कर दिया। फिर मनु ने खुद से कहा, हे भगवान, अब कुछ रहम करो मेरे भैया पर, और बोलो ना भाभी को कि वो उनसे बात कर ले। सोनम की गोद भराई के बाद से नैना और मयंक के बीच कोई बात नहीं हुई थी, और इसका कारण खुद नैना थी। वो उसे बात करना ही नहीं चाहती थी, जिसकी वजह मयंक को भी नहीं पता था। पर मयंक, वो उसे जब भी फोन मिलाता था वो नैना को जरूर कॉल करता, पर होता क्या, कॉल या पिक नहीं होता था या फिर मनु कॉल लेती थी। नैना के इस बर्ताव पर अब मयंक को गुस्सा बहुत आता था, पर वो निकाले भी किस पर, इसलिए बस चुप रह जाता था। शायद वो ही कुछ ज्यादा नैना के लिए पागल हो रहा था। उसे अब लगने लगा था कि नैना उसे कभी प्यार नहीं करेगी। आखिर उसने उसके साथ बहुत गलत किया था, और शायद नैना बस इस रिश्ते में मजबूर होकर उसके घर पर थी। वो दिल से खुश नहीं थी। इधर आदित्य अब शुभि के पेट से दूर हो उसके पास आया और उसने शुभि के होठों पर किस करते हुए कहा, तुम सच में बहुत बदल गई हो जाओ, अब तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देती। शुभि ने आदित्य की बात सुन उसके गले में अपनी बाहें डाल उससे पूछा, अच्छा और ऐसा क्यों लगता है आपको? आदित्य ने शुभि की नाक को अपनी नाक से सहलाते हुए कहा, ये तुम खुद सोचो। इतना कहते हुए आदित्य अपनी जगह पर लेट गए। वहीं शुभि उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। फिर शुभि ने अपना हाथ बढ़ाकर आदित्य के चेहरे को छू लिया, तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सोने दो, बहुत नींद आ रही है। उसकी बात सुन शुभि ने अब आदित्य को नहीं छोड़ा और फिर अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, बेबी अब तो तुम भी सो जाओ, देखो पापा भी सो गए। शुभि के पेट में पल रहे बच्चे की आदत थी कि वो दिन में सोता था और रात को हलचल करता रहता था, और वो भी तब जब शुभि को नींद आ रही होती है। शुभि ने अपनी आंखें बंद की ही थी कि बच्चे ने एक बार फिर किक मारा। किक मारते ही शुभि के मुंह से हल्की चीख निकल गई। उसकी आवाज सुन आदित्य जो अभी अभी नींद में गया था वो जाग गया, और उसने शुभि को देखते हुए पूछा, क्या हुआ? शुभि ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं आप सो जाइए। आदित्य ने थोड़ी देर तक शुभि को देखा और फिर अगले ही पल उसके करीब आते हुए शुभि का सिर अपने चेस्ट पर रखते हुए उसके सिर को सहलाने लगा। शुभि ने आदित्य से कहा, सॉरी आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। पर आदित्य ने शुभि को चुप कराते हुए कहा, सो जाओ, फिर देखना बेबी भी सो जाएगा, ये बहुत बदमाश होता जा रहा है। बहुत। इतना कहते हुए शुभि ने आदित्य के और करीब होना चाहा, लेकिन शुभि के बढ़े हुए पेट ने उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। ये देख दोनों हंसने लगे। देखते ही देखते कुछ दिन और बीत गए, और वो दिन भी आ गया, यानी शुभि की गोद भराई का दिन। गोद भराई रस्म में बस कुछ चुनिंदा मेहमानों को इनवाइट किया गया था, क्योंकि कुछ दिनों से शुभि की तबीयत ठीक नहीं थी। खुशी ने शुभि को रेडी किया और उसे नीचे ले जाने वाली ही थी कि तभी आदित्य वहां आ गया, और उसने खुशी से कहा, खुशी बस 5 मिनट। खुशी अपना सिर हिलाते हुए वहां से चली गई। फिर आदित्य ने शुभि को नीचे से ऊपर तक देखते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना, बैठ पाओगी ना फंक्शन में? उसकी बात सुन शुभि ने हाँ में सिर हिला दिया। आदित्य अब उसके करीब आया और उसने शुभि के माथे को चूमते हुए कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। शुभि मुस्कुरा दी। तभी खुशी वहां आई और उसने उन दोनों को टोकते हुए कहा, हादी भाई, वो दादी शुभि को बुला रही है। आदित्य शुभि का हाथ छोड़ वहां से चला गया। खुशी ने शुभि को अपने साथ ले जाते हुए पूछा, शुभि तुम ठीक तो हो ना? शुभि ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाभी मैं ठीक हूँ। शुभि ने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी, वो बहुत सुंदर लग रही थी। खुशी के साथ नीचे पहुंची तो वो हैरान रह गई। लिविंग हॉल फूलों से सजा हुआ था और महक रहा था। शुभि ने इस वक्त एक हाथ अपने पेट पर रखा था और दूसरे हाथ से खुशी को पकड़ रखा था। दोनों नीचे आई तो निधि जी ने शुभि को अपने साथ ले जाते हुए कहा, मेरी बच्ची बहुत प्यारी लग रही हो, नजर ना लगे तुम्हें किसी की। ये कहते हुए निधि जी ने शुभि के कान के पीछे काला टीका लगा दिया और ले जाकर उसे फूलों से सजी चेयर पर बिठा दिया। शुभि को इस तरह देखते ही अनीता जी को आज अदिति की याद आ गई। उनकी आंखें भर आई थी।
इसलिए वो वहां से उठकर जाते हुए बोली, निधि तुम गोद भराई की रस्म शुरू करो। उसके बाद निधि जी मुस्कुराते हुए शुभी की गोद भराई की रस्म शुरू कर देती है। वही शुभी ने अपना पल्लू हाथों में पकड़ लिया। निधि जी ने सबसे पहले शुभी की गोद में नारियल रखा, उसके बाद 5 तरह के फल और फिर इसी के साथ अन्य उपहार से उसकी गोद भरी। वहीं जब खुशी की बारी आई तो उसने शुभी के मायके की सभी रस्में निभाई और उसे पैरों में पायल पहनाई। ये सब देख शुभी की आंखें भर आईं। तभी उसकी आंखों से आंसू गिरे तो खुशी ने जल्दी से उठकर पूछा, अरे आज क्यों रोना? शुभी ने अपना सिर हिला दिया और फिर अपना सिर झुकाकर रोने लगी तो निधि जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, चुप हो जाओ शुभी, खुशी के मौके पर ऐसे रोते नहीं है। पर इस समय शुभी खुद को रोक नहीं पा रही थी, उसका दिल बस रोना चाहता था। उसकी हालत देख अब तो अर्चना जी को भी बहुत बुरा लगा। सोनम अपने 1.5 महीने के बच्चों को अकेले छोड़ आ नहीं सकती थी तो अर्चना जी अकेले ही आई थी। इधर अब अनिता जी आ गई और उन्होंने शुभी के पास बैठ सिर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। ये देख शुभी फिर रोने लगी, जो थोड़ी देर बाद चुप भी हो गई। अनिता जी जानती थी कि शुभी क्यों रो रही थी और बुरा उन्हें भी लग रहा था, पर जो जा चुका है वो अब कभी वापस नहीं आ सकता, इसलिए अब शुभी के माता पिता भी कभी वापस नहीं आने वाले थे। थोड़ी देर बाद जब सभी औरतों ने शुभी की गोद भराई की रस्म कर ली तो अनिता जी ने खुशी से कहा, बेटा शुभी को रूम में ले जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। खुशी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी दादी। खुशी शुभी के साथ रूम में आई तो उसने शुभी को बेड पर बिठा और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, शुभी तुम इस तरह अपना स्ट्रेस बढ़ा रही हो, समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? शुभी ने अपनी आंख से निकलते आंसू पोंछते हुए कहा, समझ रही हूँ भाभी, पर क्या करूँ, कभी कभी वो एक्सीडेंट मुझे रातों को डराता है, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों मैं उन यादों से निकल नहीं पा रही हूँ। कुछ दिनों से जब भी आंख बंद करती हूँ तब मम्मी पापा के चेहरे मुझे अपने सामने दिखाई देते हैं। खुशी ने ये सुन शुभी को अपने गले से लगा लिया कि तभी दरवाजे पर खड़े आदित्य ने खुशी से कहा, खुशी वो अभी रो रहा है। खुशी आदित्य की बात सुन वहां से उठकर चली गई। वहीं आदित्य शुभी के पास आया और उसने शुभी को देखते हुए पूछा, रो क्यों रही हो और नीचे भी रो रही थी? शुभी ने रोते हुए धीरे से कहा, मम्मी की याद आ गई थी। ये सुनते ही आदित्य ने शुभी के करीब जाकर उसको अपने सीने से लगाते हुए कहा, शुभी प्लीज उन्हें भूल जाओ, तुम जो तुम्हारे पास अब नहीं है उनकी वजह से आने वाले के लिए परेशानियां खड़ी कर रही हो, तुम इस तरह रहोगी तो बच्चे पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। ये कहते हुए आदित्य ने शुभी के पेट को छुआ, तभी बच्चे ने किक मारी जिसे महसूस कर शुभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य ने शुभी को देख अब धीरे से कहा, देखो तुम्हारा शैतान भी आज तुम्हारे रोने की वजह से इस समय जाग रहा है, बात करो उससे। शुभी ने अपने आंसू पोंछ आदित्य को देखा और फिर अपने पेट को छुआ तो एक बार फिर बच्चे की स्लो मूवमेंट उसे महसूस हुई। शुभी ने अब मुस्कुराकर अपने बच्चे से पूछा, बेबी क्या जब मम्मा की वजह से सो नहीं पाए? शुभी की ये कहते ही बच्चे ने भी एक किक मारते हुए उसे रिस्पॉन्ड किया। बच्चे की हरकत देख शुभी ने आदित्य का हाथ पकड़ते हुए अपने पेट पर रख बहुत प्यार से कहा, सॉरी बेबी, मम्मा अब फिर ऐसा नहीं करेगी। बच्चे ने एक बार फिर हलचल की जिसके बाद शुभी के चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट खिल उठी। ये देख आदित्य ने शुभी के गाल पर किस करते हुए कहा, देखा बेबी भी गुस्सा हो गया है तुमसे, वो नहीं चाहता कि उसकी क्यूट सी मम्मा अपने क्यूट से बेबी के अलावा किसी और के बारे में सोचे। शुभी ने आदित्य की बात सुन अपना चेहरा आदित्य के सीने में छिपा लिया। तभी आदित्य ने अपना फोन निकालते हुए कहा, उठो देखो तुम्हारे रोने की वजह से हमने अपने साथ की एक भी फोटो नहीं ली है। ये कहते हुए आदित्य ने शुभी को मिरर के सामने खड़ा किया और फिर उसके साथ फोटो क्लिक करने लगा। आदित्य ने फिलहाल शुभी का माइंड डाइवर्ट कर दिया था, पर फिर भी उसे शुभी की फिक्र हो रही थी। कुछ दिनों से वो बहुत ही इमोशनल हो गई थी, शायद ये भी प्रेगनेंसी की वजह से था। रात के समय शुभी रूम में थी और नीचे लिविंग एरिया में संजीव जी और आदित्य किसी डील पर बात कर रहे थे कि तभी अनिता जी भी वहां आकर बैठ गई। उन्हें देख आदित्य ने कहा, दादी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो अनिता जी ने उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए कहा, मत परेशान हो शुभी ठीक है, अब खुद माँ बनने वाली है तो कुछ बदलाव देखने को मिलते रहेंगे तुम्हें उसमें। संजीव जी ने अनिता जी की बात सुन आदित्य से कहा, तुम बस साथ रहो उसके और इस समय अपना गुस्सा तो जैसे भूल ही जाना। आदित्य ने अपने दादू की बात सुन उनसे कहा, समझता हूँ दादू, और मेरा गुस्सा शुभी के प्यार से ज्यादा नहीं है,
संजीव जी मुस्कुराए और उन्होंने उठते हुए कहा, जाओ अब शुभि के पास जाओ। सुबह के समय अर्चना जी सोनम के बच्चों की मालिश कर रही थी, जिस वजह से घर में इस समय बच्चों के रोने की आवाज गूंज रही थी। निखिल रेडी होकर नीचे आया और उसने अर्चना जी से अपनी बेटी को गोद में लिया ही था कि तभी अर्चना जी ने उसे टोकते हुए कहा, निक्की अब तो हमें बच्चों के नामकरण की विधि करनी चाहिए, पंडित जी से भी बात कर ली है मैंने तो। निखिल ने उनकी बात सुन अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अब देख लीजिए चाची। तभी दादाजी ने निखिल से कहा, ला बिट्टो को मुझे दे। नामकरण संस्कार अभी दोनों बच्चों का हुआ नहीं था, पर दादाजी और मन्नू ने तो पहले ही उन दोनों के नाम रख दिए थे। दिन बीता और रात आई। घर में सभी इस समय रात का खाना खा रहे थे। सोनम अपने कमरे में थी और वही नैना किचन में रोटियां सेक रही थी कि तभी नैना के कान में बाहर डाइनिंग हॉल से एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। आवाज सुन एक पल को नैना ने रोटी बेलना बंद की तो उसका शक यकीन में बदल गया और सब छोड़ वो जाकर किचन की डोर पर खड़ी हो गई। डाइनिंग हॉल में मयंक एक चेयर पर बैठा हुआ था और उसके आसपास सभी घरवाले खड़े हुए थे। तभी अर्चना जी ने भावुक होकर कहा, ये सब कैसे हुआ मयंक, तूने हमें किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? तो मयंक ने उनकी बात सुनकर कहा, मैं ठीक हूँ माँ, सब कुछ ठीक है, देखो आपके सामने हूँ। अर्चना जी ने रोते हुए कहा, झूठा है तू। मयंक अब निखिल का सहारा लेकर खड़ा हुआ और उसने अर्चना जी को गले लगा, उनसे कहा, अब आप चुप नहीं होंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। उसकी बात सुन अर्चना जी ने उसके गाल पर थप्पड़ लगा, उससे कहा, अब तुझे जाने दूंगी तब ना, मुझे नहीं करवानी ये देश सेवा तुझसे। नैना बाहर डाइनिंग हॉल की तरफ देख रही थी। उसे वहां हो रही सभी के बीच बातों का कोई अंदाजा नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अर्चना जी क्यों मयंक पर भड़क रही हैं। कि तभी उसकी नजरें मयंक की आंखों से जा मिली। उन्हें देख नैना जल्दी से पीछे हट गई। वहीं अर्चना जी ने निखिल को डांटते हुए कहा, निक्की तुम्हें सब पता था इस पागल की हालत के बारे में और तुमने एक बार भी घर में किसी को पता नहीं चलने दिया, क्यों? इधर मनु अब सब छोड़ किचन में नैना के पास भागी सी आई और उसने नैना को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, भाभी गेस व्हाट, मयंक भैया वापस लौट आए हैं। उसकी बात सुन नैना ने कुछ नहीं कहा, पर फिर भी मनु ने उसे कहा, थोड़ी चोटिल हैं आपके सैया जी, इस बार तो थोड़ा उन पर ध्यान देना आप, वरना जैसे फोन आते ही छिपती फिरती हो वैसे ही अब भी छुपो उनसे। नैना ने मनु की बात सुन इस बार झट से पूछा, चोटिल है मतलब? मनु ने उसकी बात सुन उसे बताया, थोड़ा चोट लगी है भैया को, ड्यूटी के वक्त एक हादसा हो गया था, अब समझी एक हफ्ते से वो कॉल क्यों नहीं कर रहे थे, और निक्की भैया को ये बात पता थी, तभी उन्होंने अपनी शादी की पहली एनिवर्सरी और मेरे क्यूटीज का नामकरण का फंक्शन होने नहीं दिया। नैना ने अब पलट कर मनु को देखते हुए पूछा, ज्यादा चोट आई है? नैना के चेहरे पर आई परेशानी देख मनु हल्का मुस्कुराई और उसने नैना को रात में जी भर कर देख लेना भैया को कि उन्हें कहां कहां चोट आई है, फिलहाल तो उनके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक दो, उन्हें भूख लगी है। नैना ने उसकी बात सुन जल्दी से अपना सिर हिला दिया और फिर से रोटियां सेकने लगी। अपनी शादी के इन 6 महीनों में नैना ने अर्चना जी से धीरे धीरे थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लिया था। अर्चना जी भी अब उससे धीरे धीरे प्यार से बात करने लगी थी। नैना ने जल्दी से रोटियां सेक ली और उन्हें ले जल्दी से मयंक को देखने के लिए डाइनिंग हॉल की तरफ आई तो मयंक निखिल के साथ बैठा हुआ था। नैना ने एक नजर उसे देखा तो उसके सिर पर इस समय पट्टी बंधी हुई थी। वहीं मयंक ने नैना को नजर उठाकर देखा तो नैना ने अपना सिर झुका लिया और रोटी अर्चना जी को देकर चली गई। मयंक का ध्यान इस समय किचन में जाती नैना पर था कि तभी अर्चना जी ने उसको टोकते हुए कहा, खाना खा लो, कहां ध्यान है? मयंक ने अपनी नजरें किचन के डोर से हटाकर अर्चना जी से कहा, खा रहा हूं पर पहले हैंड वॉश करके आता हूं। ये कहते हुए उसे उठना चाहा ही था कि तभी अर्चना जी ने कहा, रुको तुम यहीं हैंड वॉश कर लो, मनु तुम यहीं एक बर्तन में पानी ले आओ। मयंक ने अपनी माँ की बात सुनी तो मन मार कर वापस ठीक से बैठ गया। उसे हैंड वॉश नहीं बल्कि नैना को ठीक से देखना था। जानता था कि वो रूम में तो उसे देखने ही वाला था, पर क्या करे, उसकी बेसब्री इस समय उस पर हावी हो रही थी। कुछ देर बाद मयंक और बाकी सबने खाना खा लिया। उसके बाद निखिल मयंक को अपने साथ ऊपर उसके रूम में ले जाने लगा। तभी मयंक ने बच्चों को देखने की जिद की तो निखिल उसे अपने और सोनम के रूम में ले आया। वो दोनों रूम में पहुंचे तो सोनम इस समय लेटी हुई थी। ये देख निखिल ने उसे आवाज देते हुए कहा, सोनम देखो कौन आया है। सोनम ने आवाज सुन आंखें खोली और अपने सामने मयंक को देख हैरान होकर उठने लगी। ये देख मयंक ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं भाभी प्लीज आप आराम करें, मैं यहाँ अपने इन दो शैतानों से मिलने आया हूँ।
ये कहते हुए मयंक बच्चों के झूले की तरफ बढ़ गया। उसे फिलहाल अभी चलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। ये देख सोनम ने मयंक से पूछा, मयंक तुम ठीक हो ना? मयंक ने बच्ची को अपनी गोद में उठाकर उसके सिर को हिलाते हुए कहा, हाँ भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निखिल उन दोनों को बातें करते देख अब वहां से अपना फोन लिए बाहर चला गया। वहीं सोनम ने मयंक से पूछा, नैना से मिले? मयंक ने बच्ची को देखते हुए कहा, नहीं उसका काम ही खत्म नहीं होता। मयंक ये कहते हुए एकदम से चुप हो गया। ये देख सोनम भी खामोश हो गई। फिर मयंक ने झूले में सो रहे सोनम की बेबी बॉय को देखते हुए कहा, ये सो रहा है, कोई बात नहीं सुबह मिल लेंगे इनसे, तब तक लिटिल प्रिंसेस से ही मिल लिया जाए। सोनम उसकी बात सुन मुस्कुराई और उसने अपने बेटे को देखते हुए कहा, ये रात को जल्दी सोता है और सुबह जल्दी उठकर परेशान करता है, और ये मैडम रात को देर से सोती है और सुबह भी देर से उठती है।